उत्तराखंड के एक छोर से हटकर हम अब उत्तराखंड के दूसरे छोर यानी कि राजधानी देहरादून आ पहुंचे हैं और हमारी मौजूदगी राजपुर रोड पर है। मेरे इर्द गिर्द आप अगर देखेंगे तो आपको घना जंगल नजर आएगा, उसके बीच से निकली एक सड़क दिखेगी और केवल लंबे लंबे पेड़, पूरा वन विभाग का एरिया, पर ठीक वही कहानी, ठीक वही तस्वीर, ठीक वही मजार इन्हीं जंगलों के बीच में आपको नजर आएगी। ये लंबी चौड़ी मजार जहां पर भी आपको ईंटें रखे नजर आएंगे, बोर्ड आप पढ़ेंगे अगर यहां पर, तो ये दरगाह पीर सैयद बाबा जलालुद्दीन शाह की मजार बताई जाती है। मिलने का समय जो है, आने का समय भी लिखा हुआ है। और यहाँ भी एक वही तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई गिट्टी नजर आएगी और कुछ ईंटें रखे नजर आएंगे। ये ईंटें और ये गिट्टी ये साफ संदेश देती हैं कि अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे मजार को, तो ये उनके पास पूरी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलालुल्लाह मोहम्मद इकबाल मोहम्मद का नाम है। इसमें जो लिखा है वो पढ़ता हूँ एक बार, ये जरूरी है शायद दर्शकों के लिए। इसमें लिखा है, शिफा खाना हमारे यहाँ झाड़ फूक ताबीज के जरिए से नौकरी से संबंधित कोक खोलना, मकान और दुकान, कारोबार, शादी ब्याह, मुकदमे के लिए दवाएं खैर की जाती हैं, अन्य जड़ी बूटियां इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर इस मजार में ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर कोक भी खोली जा सकती है, नौकरी अगर आपके पास नहीं है तो भी लगाई जा सकती है। और ये मजार ये दावा भी करती है कि यहाँ पर झाड़ फूक तावीज के जरिए, झाड़ फूक का दावा कर रही है वन विभाग की जमीन पर बनी ये अवैध मजार। और आपको और करीब से मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पर देहरादून की तस्वीर है तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, प्राचीन दरगाह पीर लिखा है और बताया जाता है कि ये 50 साल पुरानी दरगाह है। आप जैसे जैसे मेरे साथ चलेंगे, आप मेरे साथ आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से ये मजार यहाँ पर बनी है, बीचों बीच जंगलों के बीच में बनी हुई है। और ये देखिए, ये पूरी मजार की तस्वीर है। यहाँ पर फिलहाल इसको बंद करा गया मुख्य द्वार को, जो मौलाना है वो भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? इकबाल मोहम्मद। इकबाल जी, कितनी पुरानी मजार है ये? 50 साल पुरानी। 50 साल पुरानी। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ उर्स लगता है 12-13-14 मई को। अच्छा, हाँ। मैं पढ़ रहा था पीछे, कवाली भी होती है। कवाली भी होती है, हाँ। लंगर भी चलता है बाबा का। मैं पीछे पढ़ रहा था कि वहाँ पर तावीज और से झाड़फूक होती है। हाँ हाँ, अच्छा। उसमें झाड़फूक करते हैं, ओपरे का जिनका करते हैं, और जिसकी नौकरी नहीं है उसकी नौकरी लगती है। अच्छा, नौकरी भी लगवाए? हाँ, वो दुआ के साथ में। अच्छा। और जो बच्चे नहीं है किसी पे, लेडीज पे, उसका इलाज करते हैं। उसका इलाज भी कर देते? हाँ। अच्छा, फिर बच्चा हो जाता है? हाँ, 3 महीने का कोर्स होता है उसका। अच्छा, कोर्स भी लगा रखा है, 3 महीने का कोर्स है? हाँ। क्या करना होता है 3 महीने कोर्स में? उसमें पूजा पड़ती है। कैसी पूजा? यही उतारेगी पूजा पड़ती है उसमें। मतलब उतरवाने आना पड़ता है? हाँ। कितनी बार आना पड़ता है? एक दिन। हाँ। 3 महीने फिर कैसे चलेगी? और 7-20 बार तक यहाँ झाड़े लगते हैं उसके, झाड़ लगवाने फूक लगवाने आना पड़ता है। और 3 महीने का इलाज बीच बीच में चेक करना पड़ता है। हर धर्म के लोग आते हैं? हाँ, हर धर्म के आते हैं। सारे कैसे करते हैं? चेक कैसे करते हैं? चेक उससे ही करते हैं, थाली से। खाड़ी क्या होता है? थाली से खाने खाते हैं। कैसे थाली से कैसे चेक करेंगे? उस पर पैसा चेक करते हैं लगाकर। पैसा? हाँ, मतलब पैसा लगता है उसमें। कितना पैसा? उसके नाम से लगेगा, वो जो चीज होगी ऊपरी चीज उसी पे पैसा चिपकेगा। पैसा लेते हैं? हाँ, सिक्का। कितना पैसा? एक रुपया। अच्छा, हाँ। तो ये तो जंगल के बीच में बनी, अवैध नहीं है? हाँ? जंगल के बीच में तो कहते हैं ना कि सरकारी जमीन पे मजार नहीं बना सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बनी हुई है, गाँव वालों ने बना रखी हो। अच्छा, हाँ, गाँव वालों ने बना रखी हो। हाँ। बस इतना ही है। पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो है कि नहीं बना सकते? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है। हाँ, तो कहता है कि नहीं बना सकते सरकारी जमीन पर और जंगल। ये आज का थोड़ा ही बना हुआ, ये तो रोड भी नहीं था यहाँ से जब का बना हुआ। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है, उन्होंने सर्वे करवाया है। आपके पास शायद लोग आए पूछने? आए थे ना? उसमें कहा गया कि जो अवैध जमीन पर बनी है मजारे या मंदिर, उनको हटाया जाएगा। अच्छा,
क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि वो अवैध जमीन पर बनी है, ये तो अवैध तरीके से बनी है। ये तो रोड भी नहीं था यहाँ जब का बना हुआ, ये इतनी रास्ता था जब बना हुआ। अगर हटाने आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, इसके कागज बने हुए। हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीर है कि ये मजार है और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है जंगल के बीच, पूरे जंगल का एरिया कैमरा में उसको दिखाएंगे। पीछे ठीक पीछे केवल और केवल घने पेड़ नजर आ रहे हैं, पूरा जंगली इलाका नजर आ रहा है, झाड़ियां नजर आ रही हैं और उसी से पेड़ से लगी एक मजार यहाँ पर। अच्छा, पीछे कुछ ईंटें भी रखे हुए हैं, ईंटें किस लिए रखे हैं? वो हमारी है, आपकी है। हाँ, क्या करेंगे? इसे करवाऊंगा ठीक, टूटा पड़ा है। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे मजार को आगे? बढ़ाते नहीं, इसको ठीक करवाएंगे, टूटा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो देखा आपने तस्वीरें मैंने आपको दिखाई यहाँ पर कि जो मौलाना साहब हैं वो दावा कर रहे हैं कि किसी की अगर कोख नहीं है, यानी कि बच्चा नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं लग रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाती हैं। और ये देखिए पूरी मज़ार है, झाड़ फूँक करने का दावा कर रहे हैं और अवैध तरीके से ये बनी है। और यहाँ तो आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे भी एक गेट है, इसके अंदर बताते हैं कि वीर बाबा की है मज़ार, काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। पर सवाल ये है कि अगर सरकार ने निर्णय लिया है हटाने का या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनका पालन करने का, तो ये कितना सही कितना गलत है वो भी समझेंगे। कुछ आम निवासी जो है उनसे भी समझना जरूरी है कि आखिर यहाँ पर ये क्या चीजें हैं और क्या ये सही है क्या ये गलत है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे आम निवासियों से। तो मैं बताऊंगा और बात करूंगा उन लोगों से, कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा धनीराम सक्सेना। सक्सेना जी ये बताइए, सक्सेना जी ये बताइए मुझे, आप यहीं रहते हैं? जी मैं जीएमएस रोड रहता हूं। अच्छा, तो ये मजार कब से देख रहे हैं? ये मेरे को हो गए 10-12 साल से है मजार। और इसमें कहना ये है कि यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं, मुसलमान लोग ये भी कहते हैं कि, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस विषय में कि भैया मजार का क्या मतलब है, तो उन लोगों का कहना तो ये है साफ कि हम लोग मजार पे इसलिए नहीं जाते कि जब वो अपनी धूल नहीं हटा सकती मस्जिद जो है इनकी मजार है, तो हम लोगों का क्या भला करेगा। तो मेरा मानना यही है कि ऐसी मजारों को हटा देना चाहिए, और हमारा हिंदू ही आ रहा है इस पे, और मुसलमान लोग तो कहते हैं कि भी हम लोग ऐसी जगह नहीं जाते। तो और इसके पर यहाँ पर जो पीछे है इसमें लिखा है ना कि झाड़ फूक करेंगे, बच्चा अगर नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बातें कितनी सही है? मेरे हिसाब से तो ये बातें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब अगर जो कोई कमी है तो उसको डॉक्टरी इलाज से ही ठीक कराया जा सकता है, और झाड़ फूक आज की डेट में ही को मानना है मेरे हिसाब से तो गलत है। क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, ऑर्डर देखा होगा धामी साहब ने जो दिया है जी, तो क्या लगता है आपको, क्या कितना लेवल है यहाँ पर, कितनी जगह पे? मैंने कल भी टीवी पे देखा था कि 1000 मजारे उन्होंने उत्तराखंड के अंदर चिन्हित किए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने केवल देहरादून और देहरादून का जो पछुआ क्षेत्र है, लगभग इतने ही क्षेत्र के अंदर 700 से ज़्यादा मजारे और मस्जिदें बनी हुई हैं, और ये सभी मजारे कहीं ना कहीं सरकार की भूमि पर और क्या बोलते हैं सरकारी संस्थानों के अंदर भी बनी हुई हैं, मैंने कई जगह देखा है। और इन सभी मजारों के ऊपर झाड़ फूक का काम किया जाता है, और झाड़ फूक के नाम पर जो है केवल लोगों को छला जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम नौकरी लगवा देंगे, आपके बच्चा नहीं है तो हम बच्चा करवा देंगे, ये सब चीज़ें कहाँ तक ठीक हैं? सवाल उठता है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कितने पुख्ता हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ जो है जंगल के बीच में कोई भी चीज़ होना, चाहे वो मज़ार हो या मंदिर हो, वो कितना सही है, वो भी तब जब कोर्ट का ऑर्डर इसके विपरीत हो, तो सवाल उठने लाजमी है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, देहरादून आज तक।